नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी हुई लीनियर चेन से निर्मित होते हैं और विभिन्न प्रोटीनों में अमीनो एसिड्स की मात्रा संख्या भिन्न होती है। इंसुलिन में लगभग 51 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जबकि कुछ मैक्रो प्रोटीन्स के अंदर जैसे हीमोग्लोबिन, अब इसके आगे हम देखेंगे, 574 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होते हैं वो लीनियर टाइप के प्रोटीन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड से बने हुए होते हैं। हालांकि प्रकृति के अंदर अधिकांश प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स और अन्य कार्बनिक पदार्थों के साथ कंजुगेटेड अवस्था में पाए जाते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड्स के लीनियर सीरीज में पेप्टाइड बॉन्ड के फलस्वरूप बनते हैं, किंतु पॉलीपेप्टाइड्स में अमीनो अम्ल रेजिड्यू में विभिन्न समूह के मध्य विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स के फलस्वरूप इनका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाती है। प्रोटीन संरचना को हम मुख्य रूप से चार भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर है, फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। चार तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर यह है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड्स के मध्य कोवेलेंट बॉन्ड के कारण से क्या बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड बन रहा है और एक सीधी चेन के रूप में बन रहा है। और इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की वो कहलाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये विशेष प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं इनको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। इनके बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको पेप्टाइड्स बॉन्ड्स बोलते हैं। और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक छोर पर अमीनो ग्रुप होता है NH2 और दूसरे छोर पर CWH समूह कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अमीनो समूह वाला छोर एन टर्मिनस या अमीनो कहलाता है, जबकि आरंभिक सिरा भी होता है ये, और पॉलीपेप्टाइड का जो अंतिम सिरा होता है वो कहलाता है कार्बोक्सी या सी टर्मिनस। प्रोटीन श्रृंखला में अमीनो एसिड्स की जो काउंटिंग है वो यहाँ से शुरू करते हैं, अन छोर से और सी छोर तक जाते हैं। और एक विशेष प्रकार का जो प्रोटीन होगा उसमें अमीनो एसिड्स का जो क्रम है यानी जो सीरीज है वो निश्चित होती है, और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की जो क्रम में भिन्नता पाई जाती है। अब है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले हमने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ केवल अमीनो अम्लों के क्रम को दर्शाती है, किंतु प्रोटीन श्रृंखला की आकृति व आकार के बारे में वो कोई जानकारी नहीं देती। प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधा सीधा उसमें बता रखा था कि ये लीनियर कंडीशन में जुड़े हुए हैं। प्रोटीन की रैखिक चेन जो होती हैं विभिन्न प्रकार से फोल्ड कर लेती हैं और विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स के द्वारा, ये फोल्डिंग आप देख रहे हो, और बॉन्ड्स के द्वारा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बनी हुई थी वो विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स के द्वारा प्राइमरी स्ट्रक्चर किसमें परिवर्तित हो जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये है, जैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अब इसमें विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया तो ये क्या बन जाती है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो जाता है और स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देती है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी तीन प्रकार की मुख्य रूप से क्या दिखाई देती हैं, संरचनाएं दिखाई देती हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर भी दिखाई देती है, प्लीटेड शीट्स के रूप में भी हो सकता है और रैंडम कंडीशन में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसको सबसे पहले लाइनस पॉलिंग और आर.बी. कोरे ने उसकी स्टडी की थी और इसको अल्फा हेलिक्स नाम दिया था, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न द्वारा तथा विभिन्न मॉडल्स के द्वारा इसको समझाया गया था। इनमें एक अमीनो एसिड्स के NH2 समूह, अभी हमने बात की थी NH2 समूह होता है, तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड का जैसे NH2 समूह है और निकट के दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ
क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे श्रृंखला में ऐसे बॉन्ड्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर फिर से बन जाते हैं, और इस प्रकार से जो चैन है वो ट्विस्टेड दिखाई देती है, यानी ये ट्विस्ट हुई हुई दिखाई देती है। और इस प्रकार इस संरचना में बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और जो कुंडलित से संरचना को उसी स्थिति में रखने में मददगार होते हैं। रामाचंद्रन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट में ये स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताया था, जिसमें एक कुंडल में, यानी जब एक कुंडल बनता है तो उसमें लगभग 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं, और उनके बीच की दूरी जो है वो लगभग 5.4 होती है, और ये बहुत ज़्यादा स्थायी स्ट्रक्चर, प्राइमरी की तुलना में ज़्यादा स्थायी स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन बॉन्ड हेलिकल स्ट्रक्चर में लंब अक्ष के लगभग समांतर बनते हैं और समकोण पर बनते हैं। ये देखो, समकोण पर नहीं बनते। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के अमीनो एसिड्स की जो लेटरल चेंज होती है वो विलयन की कुंडल की स्थिरता को प्रभावित करती है। प्रोलीन और हाइड्रोक्सो प्रोलीन में NH2 ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण की असमर्थता के कारण से वल्फा कुंडल का फॉर्मेशन नहीं होता। और इसी तरह के एग्जाम्पल हैं अल्फा कैरोटीन, मायोबीन, जो अल्फा कुंडली संरचना के कुछ उदाहरण हैं। तो ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और इसके डायग्रामेटिक जो कि इसमें दिखाया हुआ है। एक सिरा ये है, एक सिरा ये है एच बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसमें परिवर्तित हो जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दूसरे प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती हैं वो इसी प्रकार से, दूसरे प्रकार की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर बनती हैं उनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और ये बॉन्ड एक श्रृंखला के अमीनो रेजिड्यू और दूसरी श्रृंखला के कार्बोनिल समूह के मध्य बनते हैं। इसे बीटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और ये श्रृंखलाएँ एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और विपरीत दिशा में समानांतर या एंटी पैरेलल हो सकती हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है मुख्य रूप से ग्लाइसिन और एलेनिन, जिनमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं अमीनो एसिड्स, उन प्रोटीन्स में बनती है। और रेशम के तथा मकड़ी के जाल में भी फाइब्रीन प्रोटीन इसी प्रकार की प्रोटीन है। सामान्यतः बीटा प्लीट स्ट्रक्चर में इंट्रा चेन बॉन्ड्स नहीं पाए जाते, चेन के अंदर बॉन्ड नहीं पाए जाते, और कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड एंगुलर हो जाती है और प्लीट शीट का निर्माण कर लेती है। इसी प्रकार से एक स्ट्रक्चर होती है रैंडम, इसमें पॉलीपेप्टाइड्स की सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कोई निश्चित ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, अर्थात हाइड्रोजन बॉन्ड और अन्य बॉन्ड्स का कोई निश्चित विन्यास नहीं होता। इनमें वलयन अमीनो एसिड्स की पार्श्व श्रृंखलाओं से होता है, और कुछ पॉलीपेप्टाइड विशिष्ट परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि जो है पोली लाइसिन 10.5 से अधिक pH और 20 डिग्री से कम ताप पर हेलिकल स्ट्रक्चर में रहती है, लेकिन 35 डिग्री से अधिक ताप पर वो बीटा प्लीट शीट्स में परिवर्तित हो जाती है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। अब है टर्शरी स्ट्रक्चर, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो। टर्शरी स्ट्रक्चर यानी तृतीयक संरचना, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ज़्यादा पुनः वलयित यानी कोइल्ड हो जाती है, और इलिप्सोइडल या ग्लोब्यूलर या विभिन्न प्रकार की आकृति का फॉर्मेशन कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में अमीनो रेजिड्यू के पार्श्व समूह अथवा श्रृंखलाओं के मध्य इंट्रा अनन्य क्रियाओं के फलस्वरूप इंट्रा मोलिकुलर एक्टिविटीज के कारण से बॉन्ड फॉर्मेशन का कारण बनती हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है और साल्ट लिंकेज इत्यादि बन जाते हैं, तो जिसके कारण से इसके अतिरिक्त इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वंडर वॉल अट्रैक्शन भी इस प्रकार की स्ट्रक्चर का बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो कि इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ आप ये देख रहे हो, ये वाला ए यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं,
इसमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टायरोसिन रेजिड्यू, यहाँ पर बी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये टायरोसिन रेजिड्यू के बीच में, इसी प्रकार से है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ किसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ साइड चेन, साइड चेन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ये देखो इसके साथ, इस साइड चेन के साथ इसने इंट्रैक्शन ऑफ नॉन पोलर साइड चेन कॉज्ड बाय म्यूचुअल रिपल्सन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के म्यूचुअल रिपल्सन के कारण से, तो ये है सी, सी यानी यहाँ पर सी में आप क्या देख रहे हो कि हाँ म्यूचुअल जो है रिपल्सन की वजह से इंट्रैक्शन हो रहा है नॉन पोलर साइड चेन्स के बीच में। इसी प्रकार से ये डी है जैसे इसमें वंडरवॉल अट्रैक्शन यानी वंडरवॉल इंट्रैक्शन पाया जा रहा है, तो इसके कारण से इसी तरह से इसमें ये सी जो है यहाँ पर या ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है इसके अंदर भी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है ये जिसके अंदर, इसके अलावा इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का भी फॉर्मेशन होता है, और ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कौन कौन से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें मुख्य रूप से क्या क्या बॉन्ड है हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स जो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जो अल्फा अमीनो एसिड्स के अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के में बीच में बनता है, इसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि किसी अन्य समूह के ओ या एन परमाणु के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं उनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये पाए जाते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। हैवी हाइड्रोफोबिक के बारे में हमने बात की, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो हैं वो विशेष रूप से जल हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स के बीच में बनते हैं जिसमें अमीनो एसिड्स के हाइड्रोफोबिक आर समूह और पार श्रृंखलाओं के बीच में बनते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, जबकि जल के अणु आपस में मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार से अमीनो एसिड्स की विभिन्न प्रकार की जो जल विरागी हाइड्रोकार्बन पार्श्व श्रृंखलाएँ एकत्रित होने की प्रवृत्ति रखती हैं। फिर है कोवेलेंट क्रॉस लिंकेज या डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं वो इसमें SS बॉन्ड भी इसको हम कह देते हैं, अनेक प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के पास वाले लूप में सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी पास वाले लूप में सल्फर जिसमें पाया जाता है उसके साथ क्या है ये बॉन्ड सिस्टाइन रेजिड्यू में एवं कभी कभी सिस्टीन मेथियोनिन ये तीनों ही सल्फर वाले होते हैं अवशेषों के मध्य भी बनते हैं। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड एक ही पॉलीपेप्टाइड में भी हो सकता है या फिर इंट्रामोलिकुलर या दो भिन्न पॉलीपेप्टाइड में या इंटरमोलिकुलर भी बन सकता है। तो इस प्रकार से ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स में राइबोन्यूक्लीन में इनके अंदर ये इस तरह से बॉन्ड पाए जाते हैं इंटर और इंट्रा मोलिकुलर, और जिसके कारण से ये एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन को क्या करते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में फोल्ड आदि को स्टेबिलिटी और मजबूती जहाँ प्रदान कर रहे हैं, और ये दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स को जोड़ने में सहायक होते हैं। सिंपल बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड जो कि इस प्रकार के बॉन्ड उन आर समूह से विकसित होते हैं जिन पर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं चार्ज होते हैं, तो ये है आयनिक बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर ये है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, और जब एस और एस के बीच बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, और फिर उसके बाद ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है और वंडरवॉल बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है और देन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण से क्या है टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ सबसे लास्ट है क्वाटर्नरी और यानी चतुर्थ संरचना फोर स्ट्रक्चर। अनेक प्रकार के ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले अनेक प्रोटीन एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड एक जैसी भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती हैं, ऐसी प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड सबयूनिट को मोनोमर कहा जाता है।
तो उनमें एक मोनोमर होगी और बहुत सारे जब मोनोमर आपस में जुड़ जाती हैं तो उसको पॉलीमर कहा जाता है, और इससे निर्मित प्रोटीन जो है इनकी पॉलीमर या ओलिगोमर कहलाती है। जब ये मोनोमर पॉलीपेप्टाइड एक समान होने पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होमोजीनस ओलिगोमर या असमान होंगे तो हाइड्रोजीनस प्रोटीन कहलाती हैं, और इन पॉलीपेप्टाइड की टर्शियरी स्ट्रक्चर के समान ही बॉन्ड और इंट्रैक्शंस होते हैं, किंतु वे इंटरमोलिकुलर होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, इंटरमोलिकुलर होते हैं, अर्थात दो भिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य होते हैं। एकलक मोनोमर यूनिट्स के एकत्र होने से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण के बाद ये ओलिगोमर एक विशिष्ट प्रोटीन से संबंध होकर जैव बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रदर्शित करते हैं, जो इसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं। ये इसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इसका एन टर्मिनस है, इसमें सी टर्मिनस है, किस तरह से उलझी हुई कंडीशन में स्टेबलाइज हो गया है। इसमें जैसे एंजाइम की बात करें तो वहाँ पर एक्टिव साइट्स का बन जाना, इसी प्रकार से एंटीजन बाइंडिंग साइट या एंटीबॉडीज आप देख रहे हो तो इसमें यहाँ बॉन्ड्स दिखा रखे हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये ये सब क्या है, प्रोटीन है। तो रक्त में जो पाई जाती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, वो हेटरोजीनस प्रोटीन होती है, और इसमें इसकी संरचना को सबसे पहले पेरुट्स ने प्रदर्शित किया था, और ये मुख्य रूप से चार पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, चार पॉलीपेप्टाइड हो जाएंगे इसमें, और जिसमें से अल्फा और बीटा, अल्फा टू और बीटा टू होते हैं। इसी प्रकार से एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन भी हेटरोजीनस प्रोटीन्स का ही एग्जाम्पल होते हैं, ये डायग्राम आप इसमें देख ही रहे हैं। नाउ अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में जब हमने पढ़ी तो सिंपल स्ट्रक्चर है, देन अगर लीनियरली यानी एक रेखीय क्रम में एमिनो एसिड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं देन कहलाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग हो गई, फोल्डिंग कोयलिंग के रूप में है या शीट्स के रूप में है, उस आधार पर यानी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया है, और बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी किस तरह का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कौन कौन से NH2 और CO ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो 90 डिग्री पर बन रहे हैं, तो किस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ उसके आधार पर अल्फा हेलिक्स एंड शीट्स के रूप में है, तब कहलाती है बीटा शीट्स। नाउ टर्शियरी स्ट्रक्चर, और ज़्यादा फर्दर कोयलिंग और फर्दर बॉन्ड्स फॉर्मेशन के कारण से टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया है, और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड जो है जब मुड़कर इस तरह से आ रही है तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है उसके कारण से ये और भी संकुचित अवस्था में प्रोटीन दिखाई देता है। तो इसमें मुख्य रूप से बनने वाले बॉन्ड्स हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो पाए जाते हैं, ये चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके अंदर जो बॉन्ड्स बन जाते हैं वो इस तरह के कहलाते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बारे में अभी मैंने आपको जैसे बताया था। नाउ यहाँ पर फर्दर कोयलिंग के कारण से बन रही है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा फर्दर कोयलिंग की वजह से यानी कोयल बहुत ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स, यानी जब प्रोटीन एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर से बनती है तब ऐसी पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स को मोनोमर कहा जाता है, और जब मोनोमर आपस में जुड़ जाती हैं तो पॉलीमर का फॉर्मेशन करती हैं, और पॉलीमर बहुत सारी यूनिट्स जब दिखाई देती हैं तो ऐसी स्थिति में इसके हम एग्जांपल मुख्य रूप से क्या देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो कि हेटरोजीनस नेचर का होता है, लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है और रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, उसके अंदर भी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में इसमें पढ़ा। अब मुख्य रूप से जब हम इनके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन बहुत बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कुछ हज़ार से लेकर लाखों तक हो सकता है, और प्रोटीन कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, बड़े आकार के होने के कारण से स्वादहीन और गंधहीन होते हैं,
कोगुलेशन हो जाता है, ऊष्मा प्रदान कंडेंसर विलयन से अलग हो जाएंगे ये और कोगुलेट हो जाते हैं, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन के कारण से होता है। इसके अतिरिक्त यूवी रेडिएशन, एक्सरेज, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, पीएच के कारण से भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन हो जाता है और ये इनकी प्रकृति चेंज हो जाती है। अतः प्रोटीन की द्वितीयक, तृतीयक और हायर जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है वो प्रभावित होती है, और जब डीनेचुरेशन हो जाता है तो जो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं उनकी बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कमी आ जाती है। प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप अनेक अनेक गुण प्रभावित होते हैं, और कभी कभी तो जो डीनेचुरेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है और कभी कभी इरिवर्सिबल भी होता है। सोल्युबिलिटी की जब हम बात करें तो ज़्यादातर प्रोटीन जल में सोल्युबल होते हैं, किंतु विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों की जो सोल्युबिलिटी होती है वो भिन्न भिन्न होती है। छोटे आकार के प्रोटीन अणु की विलेयता बड़ों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन अधिक फोल्डेड होते हैं, फाइबरस प्रोटीन की अपेक्षा इनकी विलेयता अधिक होती है। सभी प्रोटीन्स जो है आइसोलेक्ट्रिक पीएच पर न्यूनतम विलेय होते हैं, और प्रोटीन की ऋणात्मकता और धनात्मकता आवेश के कारण से भी उनकी विलेयता प्रभावित होती है। फिर है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करें तो अमीनो एसिड्स में के समान ही अमीनो एसिड्स की भी वैसी प्रकृति होती है जैसे प्रोटीन की। ये एम्फोटेरिक नेचर प्रदर्शित करते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन के एक छोर पर NH2 और दूसरे छोर पर CWO समूह आयनीकृत हो जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप अमीनो एसिड रेजिड्यू की पार श्रृंखलाओं में भी आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं। और प्रोटीन विलयन में पीएच के आधार पर कुछ समूह धनात्मक आवेशित और कुछ ग्रुप ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं, और एक विशेष पीएच पर प्रोटीन अणु में कुल धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर हो जाता है, यानी प्रोटीन पर कुल आवेश शून्य हो जाता है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। इस पीएच पर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटीन अणु किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ गति नहीं करेंगे, यानी प्रोटीन अणु डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन के रूप में रहते हैं, और डाइपोलर आयन के कारण से एम्फोटेरिक प्रकृति होती है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम या अधिक में रहते हैं, तो इनकी प्रकृति एम्फोटेरिक होती है। फिर अधिकांश प्रोटीन जो हैं वो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर परसिपिटेट भी हो जाते हैं, और अनेक प्रोटीन का प्योरिफिकेशन किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा प्रोटीन का शुद्धिकरण किया जा सकता है। प्रोटीन के टेस्ट के बारे में जब हम बात करें तो प्रोटीन के टेस्ट में मुख्य रूप से हम बात करते हैं बायोरेट टेस्ट, और दूसरा होता है जेंथोप्रोटिक टेस्ट, मेन रूप से इनको हम लेते हैं। और जब इस बायोरेट टेस्ट करते हैं तो दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड युक्त जब चेन है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली सॉल्यूशन में डाइल्यूट कॉपर सल्फेट के साथ नीला कलर या बैंगनी कलर देते हैं, और वो कलर 20% एसिटिक एसिड डालने पर विलुप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं, और मुख्य रूप से जो एरोमेटिक प्रोटीन्स का टेस्ट हम करते हैं जेंथोप्रोटिक से करते हैं, जिसमें नाइट्रो यौगिक बनते हैं HNO3 की क्रिया द्वारा, और ये पीले रंग का प्रेसिपिटेशन करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और किस तरह से प्रोटीन के क्या क्या कैरेक्टर हैं और इनका क्या क्या ये किस प्रकार से इनका टेस्ट किया जाता है, इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किस कैसे होता है, इन सब बारे में पढ़ा। थैंक यू।